10 परफेक्शंस, यानी 10 पारमिताएं, 10 पार ले जाने वाली बातें, जिन पर अभी तक हमने 9 पाठ बना दिए हैं और आज यह 10वां पाठ है, यानी अंतिम पाठ है 10 पार ले जाने वाली बातों में। हमने अब तक बात करी दान पारमिता पर, शील पारमिता पर, नैष्क्रम्य पारमिता पर, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, और आज 10वें पाठ में हम उपेक्षा पारमिता पर बात करेंगे। उपेक्षा को पाली में उपेक्षा कहा जाता है। उपेक्षा को अगर हम सही शब्द इंग्लिश में अगर दें तो वह है इक्वेनिमिटी, सेरेनिटी। उपेक्षा पारमिता का अर्थ होता है पक्षपात रहित भाव से बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। पक्षपात रहित, यानी यह हिंदी का जो शब्द है उपेक्षा, यह उपेक्षा वह वाला उपेक्षा नहीं है, क्योंकि उस उपेक्षा में तो कहीं ना कहीं कोई अपमान, कोई अनादर की भावना होती है। यानी उपेक्षा शब्द, हिंदी का जो उपेक्षा शब्द है वह नकारात्मक है, वह अपेक्षा का उल्टा है अगर हम कहें तो। जिस तरह अपेक्षा से, अपेक्षा का अर्थ है कि हमें किसी व्यक्ति से अपेक्षा है, किसी व्यक्ति से हमें एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति कुछ भाव रखे, लेकिन उपेक्षा में जब वो भाव पूरा नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, तो उपेक्षा यानी ऐसा लगता है कि अपमान हो गया, हमारी भावना की कद्र नहीं की गई। हमें अपेक्षा थी, हमें उससे एक्सपेक्टेशन थी, वह पूरी नहीं हुई तो उपेक्षा हो गई, ऐसा लगा तिरस्कार हो गया, अनादर हो गया, अपमान हो गया। तो यह तो हिंदी का अर्थ है उपेक्षा, लेकिन जो उपेक्षा की हम बात कर रहे हैं, इक्वेनिमिटी की, वह उपेक्षा से थोड़ा और गहरा अर्थ रखता है। उपेक्षा यानी पाली के उपेक्षा का अर्थ है अनासक्त भाव से, यानी तटस्थ भाव से जीवन को चलाना, जीवन में रहना और बुद्धत्व के मार्ग पर चलते रहना। अनासक्त भाव से, तटस्थता से, जहां कोई जजमेंट नहीं है। साधारणतया हम जिंदगी में क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति को जानते तक नहीं, उसके बाद भी हम उस पर जजमेंट दे देते हैं। यह एक साधारण मनुष्य की जिंदगी है। वह चलते चलते रोड पर जजमेंट देने लगता है, क्या पहन रखा है, कैसा पहन रखा है, कैसे चल रहा है, क्या किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, किस कैसा ज्वेलरी पहनी हुई है, कैसे बाल हैं, बाल कम क्यों हो गए, बाल गिर क्यों गए, बाल ज्यादा कैसे हैं, यानी इतनी बातें, इतनी व्यर्थ की बातें जिनका कोई लेना देना नहीं। एक साधारण मनुष्य इस तरह की जिंदगी इस संसार में जीता है। सोचो, जिन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं, उन बातों पर यह विचार करता रहता है। कोई भी दृश्य सामने आया, कोई भी व्यक्ति सामने आया, कोई भी वस्तु सामने आई, इसने उस पर अपना जजमेंट दे देना है, इसने अपनी प्रतिक्रिया दे देनी है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति बुद्धत्व के मार्ग पर नहीं, यह व्यक्ति को अभी आध्यात्म की कोई खबर नहीं,
यह व्यक्ति आध्यात्म की राह पर कैसे चलेगा? इसलिए बुद्ध ने उपेक्षा को यानी उपेक्षा को 10 पार ले जाने वाली बातों में रखा है। सोचो कितना गहरा अर्थ रखती है यह उपेक्षा यानी उपेक्षा, कि अपने विचारों को अपने मन को देखते रहो। इसको कहीं भी किसी भी दृश्य पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी घटना पर ऐसे ही मत लगा दो जब तक कि हम उस पर कोई कुछ जानते नहीं और जब तक हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा हो। सोचो बिना किसी बात के अपने मन के घोड़े दौड़ाना, अपने विचारों को चलाते रहना, वह व्यर्थ के विचार जिनका कोई लेना देना नहीं। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वह सज्जन कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मुझे ये लगा कि अरे मेरा तो मोबाइल खराब हो चुका है और अब मैं ऑफिस का काम कैसे करूंगा, मुझे तो एक नया मोबाइल चाहिए और उस नए मोबाइल में ये फीचर्स होने चाहिए और वो नया मोबाइल बहुत ही हैंडी होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो, उसका साइज क्या होगा। वह सज्जन ध्यान में बैठे हुए हैं, वह सज्जन विपसना कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, तभी तो मेरे को अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहां तक कि मोबाइल का मैं कितने उसका साइज तक नाप रहा हूं कि किस साइज का मोबाइल होना चाहिए कि वो मेरे लिए हैंडी हो, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो मेरे काम के हों, और वो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं। यह मन इतना लापरवाह है, यह मन इतना बेपरवाह है और यह मन इतना आवारा है। इसको एक साधक को, एक भिक्षु को, एक जिज्ञासु को, एक आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से इस पर नजर रखनी पड़ती है, जिसको बुद्ध कहते थे कि भिक्षु 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है, अपने अंदर उठ रहे विचारों को देखते रहता है, तटस्थ रहकर देखते रहता है। तटस्थ का अर्थ ही यही है, जिसको हम उपेक्षा का अर्थ कह रहे हैं, उपेक्षा का वह यही है, तटस्थ होकर, अनासक्त होकर। विचार उठा, मैं दृष्टा की तरह उसको देखा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उस पर कुछ नहीं जोड़ा। उठा, देखा मैंने और वह चला गया। इसी तरह जिस तरह से एक हवा चल रही है, मैं देख रहा हूं कि हवा में कोई पत्ता उड़ा और दूर जाकर गिर गया, मेरे सामने से निकला, मैंने देखा, लेकिन मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं। मैंने तटस्थ भाव से उसको देखा कि ऐसा हो रहा है बस। और इस उपेक्षा में यानी इस उपेक्षा शब्द में कोई राग नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है। साधारणतः हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात करी कि हम रोड पर चलते हैं, चलते चलते हम उस व्यक्ति के जूते देख रहे हैं, चलते चलते हम उसकी ज्वेलरी देख रहे हैं, चलते चलते हम उसके कपड़े देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगा रहे हैं यह व्यक्ति कितना वेट रखता है, यह व्यक्ति किस तरह का होगा, यह व्यक्ति के पास पैसे कितने होंगे, यह व्यक्ति क्या नौकरी करता होगा। यह जो बातें हैं, यह जो मन में चल रहे विचार और इन विचारों के साथ हमारा लगाव हो जाना और इन विचारों से आसक्ति हो जाना और इन विचारों में खो जाना, फिर लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कहां रहा। इसी तरह हम अपने 24 घंटे बिताते हैं, इसी तरह हम अपने जीवन को बिताते हैं। सोचो इस तरह के जीवन में हम मन को, जिस पर हमारी कोई निगरानी नहीं,
मन पर जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अपने विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कैसे ध्यान साधना कर पाएंगे? इसलिए उपेक्षा रखनी होगी। उपेक्षा का अर्थ ही यही है कि निष्पक्ष रूप से देखना, तटस्थ होकर देखना। कोई तिरस्कार का भाव नहीं, कोई अनादर का भाव नहीं, कोई आदर का भाव नहीं, कोई अपमान का भाव नहीं, कोई मान का भाव नहीं, कुछ भी नहीं। यह अर्थ है उपेक्षा का। यह उपेक्षा वाला हिंदी का उपेक्षा अर्थ नहीं, जहां कोई अपमान, तिरस्कार, अनादर या उदासीनता की भावना है, जहां कुछ घटना घट रही है तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम ऐसे चल रहे हैं जैसे आंख बंद करके चलते हैं। यह वो उपेक्षा नहीं है। यह उपेक्षा पाली का जो शब्द है, यहां जो भी घटना घट रही हो हम उसको सजग रूप से देख तो रहे हैं, लेकिन हमारा कोई विचार अब तक उसमें नहीं है, हमारा कोई विचार हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जब तक कि हम उसको तटस्थ भाव से देखते हैं, हम उसको निष्पक्ष रूप से देखते हैं और हम अपनी तरफ से उस घटना के लिए अच्छी है, बुरी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह उपेक्षा है। और यह 10 पार ले जाने वाली बातों में उपेक्षा का अर्थ यह है कि जिस तरह से बुद्ध बार बार कहते थे कि कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अलग रहता है, ऊपर रहता है, इसी तरह से संसार में चल रही उथल फुथल, संसार में चल रहे दुख और सुख, संसार में चल रहे हानि और लाभ, मान और अपमान, और जीवन में आने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, उनमें वह समता भाव से अपने जीवन को चलाता है। उसका किसी से कोई दुख की भावना नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई सुख की अपेक्षा नहीं। वह तो कमलवत जीवन जीता है और संसार के सारे सुखों से वह परे है। उसे किसी सुख के लिए उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसका कोई लगाव नहीं, उसको दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं। वह तो अपना जीवन जी रहा है, क्योंकि वह संसार में है, वह अपना जीवन जी रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य इस संसार की वस्तुओं को और इनके प्रति कोई लगाव रखने से या इनको पा लेने से या नहीं पा लेने से, सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, धम्म की प्राप्ति। धम्म उसका लक्ष्य है। इसीलिए तो यह साधना करने वाले व्यक्ति के अंदर यह उपेक्षा भाव घटता है। इसीलिए तो साधना करने वाला व्यक्ति उपेक्षा का भाव रखकर, तटस्थता का भाव रखकर, अनासक्ति का भाव रखकर जीवन जीता है, क्योंकि उसने पार की यात्रा करनी है। क्योंकि ये 10 बार ले जाने वाली बातों में उपेक्षा का बहुत बड़ा रोल है। उपेक्षा के बिना, सोचो इसके बिना हम कैसे जा पाएंगे? सोचो अगर एक संसारी व्यक्ति की तरह हमारा मन चलने लगा, अगर एक संसारी व्यक्ति की तरह हम भी विचारों में उलझते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो कुछ भी आ रहा है उसी में टंग जाना है, उसी के साथ चलते जाना है, उसी को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इतनी घटनाओं तक आगे चले जाना, तो फिर इन विचारों में खोते हुए अगर हमारी जिंदगी चलेगी तो फिर हम साधक कहाँ रहे? हमारी साधना किस काम की रही? और ऐसी साधना से हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे? हमें बहुत गहरे में विचार करने की जरूरत है। उपेक्षा बहुत ही जरूरी और बहुत ही कारगर है
एक भिक्षु के लिए, एक साधक के लिए और एक उस व्यक्ति के लिए जिसको अपने मन पर निगरानी रखनी है, 24 घंटे निगरानी रखनी है। उपेक्षा का भाव होना चाहिए एक साधक के लिए, और उपेक्षा की साधना, ज्यादा से ज्यादा उपेक्षा को हम कब साध पाते हैं? जब हम ध्यान साधना पर बैठेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा साधना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान में ही हम अपने मन को देख सकते हैं, ध्यान में ही हम अपने विचारों को तटस्थ भाव से देखने की आदत को गहरा कर सकते हैं, और ध्यान में ही उपेक्षा भाव को साधा जा सकता है, बिना ध्यान के नहीं साधा जा सकता। अगर हम सोचें कि हम ऐसी रोज की तरह जिंदगी जीते रहेंगे, रोज रास्ते पर चलते रहेंगे, सारे विचारों को, सारे व्यक्तियों को, सारी वस्तुओं को, सारी घटनाओं को इसी तरह से हाँ और ना, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इससे क्या फायदा, इससे क्या नहीं फायदा, इन बातों में अगर हमने अपने विचारों को लगाया तो फिर हमारी साधना कहीं नहीं पहुंचाने वाली हमको, और हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, चाहे हम अनंत जन्म तक यहीं इस संसार में ही साधना करते रहें। इसलिए उपेक्षा का बहुत महत्व है, इसीलिए एक साधक को बहुत गहरे में अपना अवलोकन करने की, अपना ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है कि उपेक्षा भाव को साधा जाए। उपेक्षा इक्वेनिमिटी यानी तटस्थता, अनासक्ति, लेकिन यह नकारात्मक नहीं, इसमें कोई लाभ हानि की बात नहीं, इसमें कोई दुख और सुख की बात नहीं, इसमें कोई अपना फायदा और अपना नुकसान नहीं। कोई घटना घटी और मैंने देखा, मैं साक्षी हुआ, और यह साक्षी भाव ही मनुष्य को निष्कर्म की तरफ ले जाता है। कोई कर्म नहीं होता, घटना घट रही है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन वह निष्काम भाव से किया जा रहा है, वह दृष्टा भाव से किया जा रहा है। और जहां भी दृष्टा होता है, जहां भी किसी भी कर्म के प्रति कोई लगाव नहीं, वहां फिर कोई कर्म नहीं बनता, वहां फिर कोई संस्कार नहीं बनता, और वह कर्म 100% पूरा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई आसक्ति नहीं, वहां कोई अपना फायदा नहीं, वहां कोई सकारात्मक और नकारात्मक नहीं, बल्कि समता भाव है। समता भाव यानी तटस्थ भाव, समता भाव यानी इक्वेनिमिटी, समता भाव यानी दुख और सुख से परे कमलवत जीवन। तो आज हमने बात करी उपेक्षा पर। इस तरह से हमने ये 10 पार ले जाने वाली बातों को समाप्त किया, और इन 10 पार ले जाने वाली बातों में हमने क्या क्या बात करी और किस किस चीज को हमने बहुत गहरे में अध्ययन किया है, गहरे में सीखा है, इस पर भी एक बार दोबारा से विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दान पारमिता पर बात करी। दान पारमिता का अर्थ हमने समझा, दान पारमिता से दिल बड़ा होता है, कमलवत खिल जाता है, यानी पुष्पित हो जाता है, संकुचित भावना नहीं रहती, कंजूसी नहीं रहती, और एक समानता की भावना आती है, एक कुछ करने की, कुछ देने की भावना पैदा होती है, और व्यक्ति निर्भर होने लगता है। दान पारमिता के बाद हमने दूसरी पारमिता की बात करी थी, शील पारमिता। शील पारमिता को हर किसी भिक्षु को, हर किसी साधक को, हर किसी जिज्ञासु को निभाना होता है, और यहीं से एक भिक्षु की, एक साधक की, एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इन सील पारमिताओं को, इन सील के लक्षणों को, इन सील के नियमों को, जो 5 नियम हैं, जिसमें मनुष्य को हिंसा नहीं करनी, चोरी, व्यभिचार, झूठ, व्यर्थ की बातों को नहीं करना, नहीं बोलना, शराब व नशीली चीजों से दूर रहना, यह 5 बातें जो हैं, इन पर बहुत गहरे में इनको पालन करना होता है। बिना इसके आध्यात्म की राह पर नहीं चला जा सकता।
और तीसरी पारमिता थी नैष्क्रम्य पारमिता, यानी रिनंसिएशन, जो हुआ हुआ, लेट गो जिसको हम कहते हैं, उससे आगे बढ़ना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। इसमें हमने एक साधु की कहानी शायद नहीं जोड़ी। एक साधु अपने एक शिष्य के साथ नदी पार कर रहे थे, उनको एक नाव किनारे पर मिली और उस वो नाव पर बैठे, उन्होंने नाव चलाई और नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद जब वो उस तरफ पहुंच गए तो जो शिष्य था उसने तो नाव को पकड़ा और सर पर उठाकर वो चलने लगा। गुरु ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोला, गुरुजी अभी जब लौट के आएंगे तब भी तो जरूरत होगी ना। तब गुरु ने कहा कि जब पार कर लिया तो अब उस नाव को पकड़कर थोड़ी बैठना है, अब तो आगे बढ़ना है। हमें भी यह नाव यहीं मिली थी, किसी ने हमारे लिए इसको यहां छोड़ा ही होगा, अगर वह भी पकड़ के ले जाता तो फिर हमें कैसे मिलती। तो यहीं छोड़ो, जब आएंगे तो फिर देख लेंगे। तो किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, निष्क्रम्य पारमिता। और सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रमण, जिसकी हमने बात करी, एक ऐसा महान त्याग जिसमें तिनके की तरह उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, अपने भोग विलास छोड़ दिए और इतना महान त्याग किया। इसी तरह से भावना, इतनी गहरी भावना त्याग की होनी चाहिए कि जो हुआ हुआ, उसको भूलो, अब उससे कोई लेना देना नहीं, आगे बढ़ना है। कहां को आगे? बुद्धत्व के मार्ग पर। कहां को आगे? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर, निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर। इसीलिए तो पार ले जाने वाली बातें हैं ये, यहां पकड़ कर नहीं बैठना है। तो दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम्य पारमिता, रिनंसिएशन के बाद हमने प्रज्ञा पारमिता पर बात करी, और प्रज्ञा पारमिता को हमने दो भागों में बांटा है। प्रज्ञा पारमिता में सम्यक दृष्टि से देखना और सम्यक संकल्प कैसा होना चाहिए, इस पर हमने बात करी थी। सम्यक दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जो पूरी तरह से देखना, किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से देखना, ताकि उसमें अब कुछ भी ऐसा न रहे कि जो नहीं देखा गया हो। और प्रज्ञा मन के चेतना का परम चेतन अवस्था से निकल के आती है। मन में जितने संस्कार होंगे उन संस्कारों से छन के आती है, इसीलिए मन को पार करके आती है। मन में जिस तरह से भाव होंगे, मन में जिस तरह से विचार और संस्कार होंगे, उतना ही कम प्रज्ञा होगी, क्योंकि प्रज्ञा पूरी तरह से, प्रज्ञा की वह रोशनी, वह दृष्टि हमें खुल ही नहीं पाती, क्योंकि मन बीच में आ जाता है, विचार बीच में आ जाते हैं, संस्कार बीच में आ जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा तभी खुलती है जब हम साधना करेंगे। प्रज्ञा खुलती रहेगी और हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी और हमारे कर्म कम होने लगेंगे, हम कर्मों से बचने लगेंगे, हम संस्कारों से बचने लगेंगे और धीरे धीरे हम बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। उसके बाद हमने वीर्य पारमिता पर बात करी कि एक भिक्षु के अंदर आलस्य नहीं होता, वह पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा डिलीजेंस से, पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके बाद हमने शांति पारमिता पर बात करी, यानी पेशेंस कितना होना चाहिए, टॉलरेंस कितना होना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए। इस धैर्य के ऊपर हमने बात करी कि धैर्य कोई लाभ और अलाभ के लिए नहीं, यश और अपयश के लिए नहीं, निंदा या प्रशंसा के लिए नहीं, सुख और दुख के लिए नहीं, बल्कि एक भिक्षु, एक साधक धैर्य और सहनशीलता से बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, वह पेशेंस रखता है। उसके बाद हमने सत्य पारमिता पर बात करी कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। अल्टीमेट ट्रुथ को हमने अनहद के बारे में बात करी कि जिसमें प्रकाश है, जिसमें आवाज है, यानी रोशनी है और आवाज है,
संगीत है। इसमें हमने सत्य पारमिता में तीन प्रकार के बुद्ध के जो काया है, तीन काया है, उन तीन कायों पर बात करी, जिसको बुद्ध कहते थे कि अपने दिए, अपनी रोशनी खुद बनो। वह अपना अत्तो दीपो भव जिसको कहते थे, वह अत्तो दीपो भव यही है कि हमें अपने प्रकाश को प्रज्वलित करना है, अपने प्रकाश को निखारना है, अपने प्रकाश को खोजना है। और वह प्रकाश की हमने जब जिक्र बात करी थी तो हमने कहा था कि वह बुद्ध की दूसरी काया है जिसको संभोग काया कहते हैं, जो दिव्य लोकों का ज्ञान रखती है, दिव्यता होती है उसमें। वह दिव्यता का अर्थ ही रोशनी है, वह हमारे ही अंदर है। इस काया के अंदर वह प्रकाश रूप है। इस तरह हमने अल्टीमेट ट्रुथ की बात करी थी कि अल्टीमेट ट्रुथ में कोई काया नहीं, कोई शरीर नहीं, वह शरीर से ऊपर है, प्रकाश रूप में और आवाज रूप में। धम्म काया हमने, सत्य काया की भी बात करी, जिन तीन काया की बात करी है उसमें। सत्य पारमिता के बाद हमने अतिष्ठान पारमिता की बात करी कि डिटर्मिनेशन कितना होना चाहिए। इसमें हमने बुद्ध के दृढ़ संकल्प की बात करी कि बुद्ध का दृढ़ संकल्प कितना था। अधिष्ठान पारमिता के बाद हमने मैत्री पारमिता पर बात करी कि मैत्री पारमिता में एक साधक के अंदर कितनी उदारता, कितनी करुणा होती है, और वह सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, मनुष्य सभी पर समान भाव से, मैत्री भाव से व्यवहार करता है, मैत्री भाव रखता है, कोई क्रोध नहीं करता, कोई बैर नहीं करता, कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता। वह वैसे ही सबसे व्यवहार करता है जैसे माँ अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक बेटे की, एक बच्चे की रक्षा करती है। इसी तरह से वह सब व्यक्तियों को, सब जीव जंतुओं को, सब पेड़ पौधों को, सभी जीवों को समान रूप से व्यवहार करता है और उनकी सुख समृद्धि के लिए काम करता है, विचार रखता है, भावना रखता है। इतनी उदारता और करुणा उसके अंदर होती है कि वह कभी भी किसी के प्रति उसका कोई बैर और कोई हिंसा नहीं होती। यह मैत्री पारमिता है। और अंत में आज हमने उपेक्षा पर बात करी, यानी उपेक्षा पारमिता पर। इसको हमने गहरे में समझा है कि पक्षपात रहित होकर तटस्थ भाव से एक बुद्धत्व की राह पर चलने वाला साधक अपने जीवन को बिना लाभ, बिना हानि, बिना आसक्त हुए, तटस्थ भाव से और अनासक्त हुए घटनाओं को देखता है, उस पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करता। इस पर हमने आज बात करी है। तो इस तरह से 10 पार ले जाने वाली बातों पर जिससे बुद्धत्व घटित होता है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक, किसी भी भिक्षु को इन 10 पार ले जाने वाली बातों को गहरा अभ्यास जिसने भी किया, वह इस जीवन मरण से, इस भवसागर से, इस लोक से, इस मृत्यु लोक से निर्वाण और परम निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। उसका फिर कोई जन्म नहीं होता, उसका फिर कोई मरण नहीं होता। जिसको बुद्ध ने अपने पिता से जब उन्होंने आज्ञा लेनी चाहिए थी राजमहल छोड़ने की, तो उस समय बुद्ध ने कहा था कि मैं उस राह, उस खोज मर हूं जहां कोई मृत्यु नहीं, मुझे जीवन और मृत्यु से आगे की खोज करनी है। यह खोज इन 10 पार ले जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतार लेने से पूरी हो जाती है और कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। हम सबके अंदर यह 10 की 10 बातों को पूरा करने का पूरा बल है, पूरा डिटर्मिनेशन है, पूरी एनर्जी है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह हम नहीं कर सकते। एक मनुष्य यह कर सकता है,
एक मनुष्य ही बुद्धत्व तक पहुंच सकता है, बुद्ध के पद को पा सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर, मनुष्य शिरोमणि है, उसके अंदर यह सब कुछ रखा हुआ है। तो यहीं आज की बात समाप्त करते हैं और इसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इसको, इन जो 10 बातों को 10 पार ले जाने वाली बातें हैं, इन पर हम अब अपने जीवन में इनको उतारने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमें भी बुद्धत्व उपलब्ध हो।